यहाँ उपस्थित चंद्रिका राय जी की पुत्री ऐश्वर्या राय, आयुषी राय, उनके पुत्र अपूर्व राय, भारतीय जनता पार्टी, और आज जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमको तो लगता है कि जरूर इसके बारे में प्रकृति को जरूर इसके बारे में कुछ न कुछ दिमाग में बात आएगी। ये कैसे हुआ आप जरा बता दीजिए, इतनी पढ़ी लिखी महिला है और क्या व्यवहार हुआ भाई, ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया कितना बुरा लगा है हम लोगों को। ये दृश्य नहीं होना चाहिए, लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना, वैसे लोगों को कुछ दिनों के लिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन भविष्य में दिखाई पड़ेगा कि लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ पाप करना कितना उसके लिए खतरनाक होगा, खराब होगा। और हम लोगों को होता है, और बात बताइए, आज मौका मिला काम करने का, उसके पहले अब क्या स्वर्गीय दरोगा बाबू का आशीर्वाद इन लोगों को नहीं था जिनको 15 साल काम करने का मौका मिला? आप जरा समझ लीजिए, एक बार अच्छी तरह जान लीजिए, और समाज में कभी भी इधर उधर का बात नहीं करना चाहिए, समाज में सच्चाई पर बात करना चाहिए। और आप लोगों को मालूम है, हथवा उठाओ, कैगो अनाप सुना बोल रहे हो, हाथ उठाओ, चारा चोर है सब, चारा चोर, यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो, तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, लेकिन जरा बताइए भाई हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है, जरा बोलिए जोर से, हम सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे, वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना, कैसा बीमार पड़ा था उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी, आज यहाँ बनाए हो और चंद्रिका राय जी के बारे में कुछ बोल रहे हो, कुछ मालूम है? बच्चे हो, जब ये 1985 में आए और विधानसभा के सदस्य के रूप में हम भी थे मेले, और जब इनका हमने पहला भाषण सुना, हम तो थे विपक्ष में, ये थे कांग्रेस पार्टी में। मंच के संचालन करता भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अर्जुन सिंह जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, जनता दल यूनाइटेड के लोकप्रिय उम्मीदवार, हमारे पुराने साथी और स्वर्गीय दरोगा बाबू के सुपुत्र भाई चंद्रिका राय जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए, प्रदेश जनता दल, शौचालय बिहार में भी लगभग ये काम पूरा, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर नल का जल, ये काम हम लोगों ने करना शुरू किया। अब